तालियां बजा के एक बार सभी का आप बहुत गर्दन तल से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि सहित सभी मंचासीन महानुभावों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि पार्टी के प्रेरणा स्रोत रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्रों पर पुष्प अर्पण करने का कष्ट है। अरे भैया, भैया ये बोतल नीचे रखवा दो। मंत्री डीसी से अनुरोध करूंगा वो भी आए और माननीय कुलदीप गंगवार जी एवं आगे भैया भैया आपका सिर आ रहा है, आप पीछे आ जाइए भैया, पीछे हटना है, पीछे आ जाओ। अभी मैं कुछ प्रबुद्धों की लड़ाई लड़ी हुई थी, आगे बताइए। आलोक बिहारी जी से अनुरोध है कि वो आए और माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी का स्वागत करने का कष्ट है। कैप्टन राकेश सिंह यादव जी से अनुरोध है वो भी आए और मंच पर हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय सुरेश कश्यप जी का स्वागत करने का कष्ट है। सम्मेलन में पधारे शिमला के माननीय सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, फर्रुखाबाद के प्रभारी मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय रूपेश गुप्ता जी, माननीय मंत्री रहे आदरणीय नरेंद्र सिंह यादव जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा फर्रुखाबाद के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पधारे मंच पर आसीन शिमला के माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी, फर्रुखाबाद के माननीय सांसद मुकेश राजपूत जी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका जी, पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार जी, जिलाध्यक्ष श्री रूपेश गुप्ता जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, श्री वीरेंद्र सिंह राठौर जी, श्री सत्यपाल सिंह जी, श्री दिनेश कटियार जी, श्री शिव महेश दुबे जी और उपस्थित सभी फर्रुखाबाद के प्रबुद्धजन जो विशेष विशेष वर्गों से आए हैं, सभी का सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, 9 साल माननीय मोदी जी की सरकार को हुए, 2014 में मोदी जी ने सरकार संभाली थी, उससे पहले भारत क्या हो रहा था और उसके बाद भारत कैसा हुआ, यह विचार का विषय बन रहा है। आप सब प्रबुद्धजन हैं समाज के, समाज को दिशा देते हैं, समाज आपकी तरफ देखता है, तो इस तुलनात्मक अध्ययन को जब आप समाज के सामने रखेंगे तो निश्चित ही जब एक तराजू में तोले तोला जाएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि
योगी जी को वोट दीजिए और जो भी इस देश और प्रदेश को क्यों जरूरी है। सन 2014 से पहले की स्थिति क्या थी, अभी आपके स्थानीय माननीय सांसद जी भी बता रहे थे। चारों ओर ऐसा वातावरण बन चुका था घोटालों का, पूरे देश में, प्रदेश में गुंडागर्दी का, ये ऐसा महसूस होता था कि अब इस प्रदेश और देश का कुछ नहीं हो सकता। घटाटोप सा छाया हुआ था पूरे प्रदेश में और देश में। रोज नया घोटाला अखबारों में पढ़ने को मिलता था और लाखों करोड़ का घोटाला। और उस समय का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहकर चुप हो जाता था, जो अपने को ईमानदारी का चोला पहने हुए था कि जब सावधानी सचे जाते स्वागत के क्रम में मैं सचिन जी से अनुरोध करूंगा और आज के मुख्य अतिथि माननीय सुरेश कश्यप जी को भी शान बढ़ा के स्वागत करने का कष्ट है। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुकेश राजपूत जी सांसद फरकाबाद का भी शान बढ़ा के स्वागत करने का कष्ट है। सचिन जी से अनुरोध करूंगा आदरणीय मोनिका यादव जी जिला पंचायत अध्यक्ष का भी शान बढ़ा के स्वागत करने का कष्ट है। तालियों बजा के आप लोग आदरणीय कुलदीप गंगवार जी का भी स्वागत करने का कष्ट है। हमारे भोजपुर के विधायक नागेश सिंह राठौर जी का भी शान बढ़ा के स्वागत करने का कष्ट है। मैं जिले के उपाध्यक्ष अतुल दीचे जी से अनुरोध करूंगा वो आए। हमारे भोजपुर के विधायक माननीय नागेश सिंह राठौर जी जो बात पर आए हुए उनका भी मालापुर का स्वागत करने का कष्ट है। सज्जन जिला अध्यक्ष श्री रूपेश गुप्ता जी का भी अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत करने का कष्ट है। माननीय शिव महेश दुबे जी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का भी शान लगे स्वागत करने का कष्ट है। पिछली लाइन में बैठे हुए वीरेंद्र सिंह राठौर से संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ को भी इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि जो मोदी जी और योगी जी की सरकार ने पिछले 9 साल में मोदी जी ने और 6 साल में योगी जी ने किया है, उन कार्यों को जनता तक पहुंचाना। और जो राजनीति ने नया कलेवर लिया है, प्रदेश नए कलेवर में आ गया है, देश बदल रहा है, उन सब बातों को जनता तक पहुँचाए जिससे कि विदेशी शक्तियाँ हावी ना हो सके।